Hi guys, what's up? And welcome back to this YouTube channel. You're watching Fatehi's reaction, and this is me, Zainab Fatehi. आप सबकी फेवरेट नहीं बोल सकती क्योंकि आई डोंट नो इफ आई एम योर फेवरेट और नॉट. आज की जो वीडियो है इट इज नॉट रिक्वेस्टेड बट कैरी मिनाटी वॉज लाइक ऑन द डिमांड. लाइक जो मैंने कल वीडियो डाली उसमें क्या कल हाँ कल ही डाली थी मैंने वीडियो कैरी मिनाटी की जो है पबजी से रिलेटेड थी. तो यू गाइज वर लाइक कैरी मिनाटी की जो है उनके जो मेन चैनल पे वीडियोस होती हैं आप उस पे रिएक्शन करें. सो आई वाज मेकिंग अ सीरीज ऑन हिम बिकॉज ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन आई हैव नॉट बीन रियली गुड विद यू नो कंप्लीटिंग द सीरीज एंड स्टफ लाइक दैट. तो आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है लड़का लड़की और वो. सो थंबनेल देख के तो मुझे कोई आइडिया नहीं है किस टाइप की वीडियो होने वाली है बट ऑब्वियसली देर इज गोइंग टू बी रोस्टिंग इन हिज वीडियोज क्योंकि ही इज द रोस्टिंग किंग. या एंड योर्स फेवरेट एज वेल. सो ये वीडियो है 9 मिनट 5 सेकंड की. आई होप आप 9 मिनट 5 सेकंड से ज्यादा मेरी वीडियो को देखेंगे. सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो टुगेदर. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड यू हैवंट एक्चुअली सब्सक्राइब और आपने अब तक मेरी जो एक न्यू जर्नी है दैट आई हैव स्टार्टेड एक काइंड ऑफ लाइक जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है हैवंट सपोर्टेड प्लीज शो योर लिटिल सपोर्ट क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट जो है मेरा बहुत फायदा करेगी. न्यू बिगनिंग्स का एपिसोड नंबर 2 आई एम गोइंग टू बी पिनिंग इट राइट हियर और उसके बाद आई एम गोइंग टू बी पिनिंग जो है न्यू बिगनिंग्स का जो है एपिसोड 3. सो आप जाके देखो एंड यू गाइज विल डेफिनेटली गन एंजॉय क्योंकि आप लोग ही थे काफी बार कॉमेंट्स में बोला था कि आप जो है गेमिंग करो कभी पबजी खेलो. सो आई स्टार्ट दैट पर अब आप लोग का सपोर्ट नहीं दिख रहा है व्हाट्स दैट. एनीवेज विदाउट वेस्टिंग आवर अमेजिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो टुगेदर. तो कैसे हैं आप लोग. मैंने अपनी 20 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है प्यार धोखा पक्षी ज्यादातर पक्षी लेकिन आज जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वो है एक ट्रायंगल लव ट्रायंगल किसके बीच एक लौंडा एक लौंडिया और ई बॉम्बे. आजकल के सीरियल अलग ही दुनिया में खेलना है. पहले सही होता था यार एक बड़ा सा घर होता था जिसके अंदर परिवार के नाम पे पूरा गांव रह रहा है. भांजों के भी भांजे रह रहे हैं मौसियों की भी मौसियां रह रही हैं और अनगिनत पापा छोटे पापा बड़े पापा उससे बड़े पापा, वाले पापा सबसे बड़े वाले पापा और उनके भी पापा जिनसे सबकी फटती है. खैर पूरा शो एक दूसरे की जिंदगी झंड करने में निकल जाता था लेकिन अब इस नए दौर में बहू छिपकली का रूप लेके सास की गर्दन पे चिपकी कुछ भरोसा नहीं है. खैर आज हम कुछ ऐसे ही जिंदगी पे सवाल उठाने वाले सीन देखने वाले हैं. तो आओ यार अपने नाखून चबाना नहीं नहीं शुरू करते हैं चुदी के कॉन्टेक्स्ट. थपकी और उसका परिवार रोजाना की मौजूदगी से दूर चिड़िया घर में आए हैं प्रोटेस्ट करने लेकिन फिर अचानक थपकी आ जाती है. एक मिनट भाभी क्या कर रहे हैं आप रुक जाइए आप लोग. बट नो वन केयर्स. आ रहा हूँ गुच्छा इंसान के. फिर पुलिस आ जाती है और सब गन फटी में भाग जाते हैं लेकिन चांडाल चाची अभी भी वही है. जब से बिहार ने उस बुढ़िया को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है तब से मैं सोच रही हूँ कि उससे बदला कैसे लूं. अब देखना मैं तुम्हारी ही पत्नी को इस गोरिल्ला के हवाले करूंगी. इसकी मोटर कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है. जब मैं गोरिल्ला को देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं भैया दूर रहो फाड़ सकता है. लेकिन जब ये गोरिल्ला को देखती है इसे दिखती है अपॉर्चुनिटी मौका मौका बदला लेने का. किस बात का बदला किसी को फर्क नहीं पड़ता. अपने हाथ में ताला लेके पत्थर मार रही है. ओ चौथी फेल मैडम ये कैसा सनसनी चूतिया पाए नहीं ऐसे टूटते ताले तोड़ दिया. स्किज़ोफ्रेनिक राइटर चिड़िया घर है दिन दहाड़े ताले तोड़े जा रहे हो कोई देख ही नहीं रहा मतलब जानवर जा रहा है तो जाए माचो. हम यहाँ बैठ के खाएंगे हिलाएंगे और सो जाएंगे वेरी गुड. बस अब थपकी को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना है. हमें तो पता नहीं था आप जानवरों से बात कर सकती हो. अरे मेरे साथ चलो एक हिरण को अपनी स्टेटमेंट लिखवानी है. ये औरत बदला ले रही है या प्रैंक कर रही है जो भी कर रही है मान नहीं रही है. गोरिल्ला के लिए फोन छोड़ दिया जिसपे घर की लोकेशन व्हाट्सएप कर रखी है उसको फॉलो करके गोरिल्ला इनके घर आ जाता है.
कमाल है बहनचोद, ऐसा चालाक गोरिल्ला इतने चूतिए से पार्क में कर क्या रहा था? रुक गोरिल्ला, उसने तुझे फोन दिया है ना, मैं तुझे ईयरफोन्स और स्पीकर्स दूंगा। ओए इधर आ, ये है मीवी के थंडर बीट ईयरफोन्स और मूनस्टोन स्पीकर्स। दोनों की ही साउंड क्वालिटी एक नंबर है, गिटार से लेके हारमोनियम सब बढ़िया बजता है, बैटरी लाइफ भी ज्यादा है। इन्हें तुम जंगलों में लेके जाओ, पहाड़ों पे लेके जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बेस इतना जबरदस्त, पूरी रात कूदता फांदता रहेगा। और एक बात मैं तुम सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ, मीवी अकेली ऐसी कंपनी है जो इस प्राइस पर इंटरनेशनल क्वालिटी देती है। चल तेरा हो गया काम, गो बर्तन मांजो। अबे तकिया फेंका है, कितना खतरनाक गोरिल्ला है, तोहफे फेंक रहा है, तकिए फेंक रहा है, बिस्तर खराब कर दिया। इतना रियलिस्टिक आतंक दिखाते कैसे हैं ये लोग? वैसे तो गोरिल्ला छाती पीट दे इंसान की, लेकिन यहाँ तो कैचुम कैच चल रहा है। अरे ये क्या करे? ओ लग गई, किसने कही थी विराट कोहली बनने को, जबरदस्ती कैच पकड़ रही है। ये सही है, पहले खेलो और फिर जब लग जाए तो। What the fuck? इसका मतलब ये मुझे चोट नहीं पहुंचाना था। इसका मतलब तुझे पालतू रखना चाहता है वो, खुद से मतलब मत निकाल, गोरिल्ला है फाड़ के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगी। खैर इतनी देर में दोनों छोटी बड़ी भाभी गोरिल्ला को देख लेती है और उसके कान फाड़ देती है। फिर पूरा खानदान आ जाता है और गोरिल्ला को भगाने की नाकाम कोशिश करता है। भाभी जी वो गोरिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला नहीं। वो सोच रहा होगा मेरे को औकात ही नहीं छोड़ी, बहन चो कुत्ता बना दिया। लेकिन क्या चल रहा है यार ये? थपकी वो अपने फोन में गोरिल्ला को खोल के कुछ ऐसा दे देती है जिसे देख के गोरिल्ला चौंधे आ जाता है। अगला एपिसोड। कॉन्टेक्स्ट। थपकी और उसका परिवार गोरिल्ला को चकमा देके भाग रहे होते हैं, अचानक वो उनके सामने आ जाता है। फिर गोरिल्ला थपकी के पति को थपकी देके उसकी थपकी को बंदी बना लेता है और साइड में एस्थेटिक्स के लिए गैस भी लीक कर रही होती है। अब आगे बयान, ये क्या कर रहा है? गन नीचे कर बयान, चिड़ियाघर से लोग आ गए, बेहोश करने का इंजेक्शन है इनके पास, उसके लगते है ये गोरिल्ला बेहोश हो जाएगा। ये हार्पिक की ड्रेस में चार चूते गोरिल्ला बेहोश करेंगे? अच्छी मेरा प्लास्टिक की बंदूक से बैक्टीरिया मारने आए हैं। भाई छोड़, मुझे बंदूक नहीं चाहिए भाई, मुझे ऐसा चंट चूतिया मैंचर पति देखा तुमने कभी? इससे पूछो अगर माँ बाप को रिश्ते के लिए मनाना हो तो कैसे मनाएंगे? सॉफ्टी मार बाजी को सॉफ्टी खिलाएंगे। बेटा दुनिया आगे बढ़ता है कि तुम सॉफ्टी खाते रह जाओगे। सारे घर वालों के रिएक्शन एक ही बारी में नाप दिए और भाभी जी के तो 50 रुपए काटो, क्या सीन है? अलग ही पैशन है इनका, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज पे यही रिएक्शन होता है। कल मैं चाय बना रहा था और दूध फट गया। 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब घर की सबसे चालाक सदस्य थपकी एक प्लान बनाती है। आप अपनी बंदूक नीचे रख दीजिए। इतनी उम्मीदें थी गोरिल्ला से, भैंसो नकलची बंदर बना दिया, अभी डमरू बजा नाच के और दिखाएगा। अब चलो यार बस क्लाइमेक्स की तरफ चलो, और नहीं झेला जा रहा है। थपकी की चतुराई।
वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। साले इन शो बनाने वालों को कोई गोली खिला, ये लोग हकते जा रहे कोई सीमा ही नहीं है। और ये साला गोरिल्ला है कौन? मैं पिछले 10 साल से फिजिकल थिएटर में हूँ और क्लाउन थिएटर में हूँ, और उसी की वजह से मैं आज ये सब बहुत ही बहुत इजीली कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। अबे साले जब माफ करना, मैं जो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ये शो चलते रहेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है नहीं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 1.7 1.7 मिलियन लाइक्स के लिए। अगर नहीं हुए ना तो गान में गोली मार दूंगा। और वीवी की सेल चल रही है उनके टॉप 20 प्रोडक्ट्स पर। मेरा पर्सनल फेवरेट है मूनस्टोन, क्योंकि उसे कहीं पर भी ले जाओ कोई सीन ही नहीं होता है, बैग में टांग लो पीछे और चल दो, कोई टेंशन ही नहीं है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो। खैर मेरी तरफ से सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद, नया साल आएगा नई बकचोदी लाएगा। बाय। मोहित कोयले लगाते हाथ सेकने। मतलब कैरी की वीडियो अच्छी थी बट क्या ड्रामा था यार, बट क्या जरूरत है ऐसे ड्रामास बनाने की, थू मैं तो कभी ना देखूं। एनीवेज काफी बकवास था ड्रामा उनका, पर कैरी की वीडियो थी एकदम फर्स्ट क्लास। कैरी की कॉमेडी वाज ओजे। नाउ आई एम गोना बी साइनिंग ऑफ एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो अनदर डे। टिल देन लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड जाते जाते वही एक पुरानी ऑलवेज वाली चीज, डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड पीस लव एंड पॉजिटिविटी। लव यू ऑल।